मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 19। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 19। चैप्टर 19 हमने पहले भी अच्छे से पढ़ा था, आज हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, इसका रिवीजन कर रहे हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 19 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 19। इसको क्या करेंगे? इसको रिवाइज करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। ओके, ही इज यूज्ड, जिसका नेम क्या है? यूज ऑफ ही एंड सी। ही इज यूज्ड फॉर ए मैन और ए बॉय। यूज ऑफ ही एंड सी। अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि ही का यूज किसके लिए होता है और सी का यूज किसके लिए होता है। तो ही का यूज किसके लिए होता है? ही इज यूज्ड फॉर ए मैन और ए बॉय। ही का यूज किसके लिए होता है? मैन एंड बॉय के लिए, मैन एंड बॉय के लिए। और सी का यूज, सी इज यूज्ड फॉर ए वुमेन और ए गर्ल। और सी का यूज किसके लिए होता है? सी का यूज वुमेन और गर्ल के लिए होता है। किसके लिए होता है? वुमेन एंड गर्ल के लिए होता है। और ही का यूज मैन और ए बॉय, मैन और बॉय के लिए। सी का यूज वुमेन एंड गर्ल के लिए होता है। ओके, तो आपको अच्छे से ये ध्यान में रखना है कि ही का यूज किसके लिए होता है एंड सी का यूज किसके लिए होता है। ही इज रमन, ही इज रमन, ही इज ए बॉय, ही इज ए बॉय, ही इज ए स्टूडेंट। तो ये क्या है? बॉय है। तो इसके लिए किसका यूज हुआ? ही का यूज हुआ। किसका हुआ? ही का यूज हुआ। ही इज रमन, ही इज ए बॉय, ही इज ए स्टूडेंट, ही इज ए रमन। यह क्या है? रमन है। क्या है? रमन है। ये क्या है? बॉय है। और ये क्या है? कि स्टूडेंट है। तो ये क्या है? बॉय है। तो बॉय के लिए किसका यूज होता है? किसका होता है? ही का होता है। किसका होता है? ही का होता है। ओके, तो आपको इस बात का अच्छे से ध्यान में रखना है कि बॉय एंड मैन के लिए ही का यूज होता है, गर्ल एंड वुमेन के लिए सी का यूज होता है। इनके बारे में हमने पहले भी अच्छे से पढ़ा था, आज हम इस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं, इसका रिवीजन कर रहे हैं। सी इज रीता, सी इज रीता, सी इज ए गर्ल, सी इज ए गर्ल, सी इज ए स्टूडेंट, सी इज ए स्टूडेंट, ही इज ए मिस्टर कपिल। सी इज रीता, ये क्या है? गर्ल है। क्या है? एक गर्ल है। तो इसके लिए किसका यूज हुआ? सी का यूज हुआ। किसका हुआ? सी का यूज हुआ। सी इज रीता, सी इज ए गर्ल, सी इज ए स्टूडेंट, ये क्या है? एक स्टूडेंट है। क्या है? स्टूडेंट है। तो ये गर्ल है। तो इसके लिए किसका यूज हुआ? सी का यूज हुआ। ही इज मिस्टर कपिल, ही इज मिस्टर कपिल, ही इज ए मैन, ही इज ए मैन, ही इज ए पुलिस इंस्पेक्टर, ही इज ए पुलिस इंस्पेक्टर। ये क्या है? कपिल, जो क्या है? मैन है। क्या है? मैन है। तो मैन के लिए किसका यूज होता है? ही का यूज होता है। किसका होता है? ही का यूज होता है। ये हमने पहले भी अच्छे से पढ़ा है, आज हम इस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं। ओके, सी इज ए गीता, सी इज ए गीता, सी इज ए वुमेन, सी इज ए टीचर। ये क्या है? वुमेन है। क्या है? वुमेन है। तो इसके लिए किसका यूज हुआ? सी का यूज हुआ। किसका हुआ? सी का यूज हुआ। ओके, तो इस बात का आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि मैन एंड बॉय के लिए ही का यूज होता है और वुमेन एंड गर्ल के लिए सी का यूज
होता है। ओके ओके बच्चों, तो आज आप क्या करोगे, आज आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करोगे, इसका अच्छे से क्या करोगे, रिवीजन करोगे। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके थैंक यू बच्चों।